प्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है क्रिया। परसर्ग ने क्रिया ने का क्रिया पर प्रभाव, यानी ने एक परसर्ग है, इसे विभक्ति भी कहते हैं। विभक्ति का अर्थ होता है ने, को, से, पर, इसका अर्थ यही होता है। विभक्ति का अर्थ यहाँ पे यही बताया गया है। यहाँ पे ने विभक्ति के बारे में बताया जा रहा है। इसके प्रयोग से क्रिया में विकार आता है। इस विकार को समझने के पूर्व क्रिया के स्वरूप भेद तथा प्रयोग को जानना आवश्यक है। इसलिए हम क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द या पद से, पद या हो गया या शब्द हो गया, जिस शब्द से या पद से किसी कार्य के होने का बोध होता है, जैसे कि, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया इसमें क्या है? इसमें जो शब्द है वो शब्द है, इसमें ये जो कार्य है वो पूरे हो रहे हैं। जब जब कोई भी शब्द का जब कोई भी कार्य जब पूर्ण होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, मोहन पार्क में दौड़ता है, विनोद दूध अवश्य पीता है। ये सभी पद किसी न किसी कार्य को करने या होने के सूचक होते हैं। जैसे ये जितने भी शब्द हैं, जैसे दौड़ना, पीना, देना, पिघलना या होना या उड़ना, ये सब जितने भी शब्द होते हैं, ये सब कार्य करने के सूचक होते हैं या प्रतीक होते हैं। अतः ये क्रिया के पद कहलाते हैं, यानी क्रिया के शब्द कहलाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बोल रही हूँ कि क्रिया वे शब्द होते हैं जिसके कार्य करने का बोध होता है। जब कोई कार्य पूर्ण होता है तो उसे हम क्रिया का रूप देते हैं। क्रिया में, जैसे क्रिया हम किसे कहते हैं? दौड़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना। और जब ये शब्द का प्रयोग होता है और जब ये शब्द कार्य के करने या होने के सूचक होते हैं तो उसे हम क्रियापद कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम आएंगे पढ़ेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है वाक्य में प्रयोग करते समय जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया अकर्मक क्रिया प्रयोग वाक्य में प्रयोग करते समय जिस क्रिया में क्रिया का अर्थ भी मैंने बताया कि क्रिया किसे कहते हैं। हंसना, उठना, बैठना, रोना, दौड़ना, खाना, पीना, इसे हम कहते हैं। तो जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है, यानी कि इसमें जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों एक समान रूप से कार्य करते हैं, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसमें कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें कहीं भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। शीला रोएगी, बच्चे हंस रहे हैं, यानी पक्षी जो हो गया वो क्या हो गया? एक ये कर्ता हो गया, उड़ रहे हैं क्या है? क्रिया है। तो इसमें कहीं भी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो पक्षी कर्ता का कार्य कर रहा है और उड़ रहे हैं, ये क्रिया का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से अकर्मक क्रिया हो गई, जिस क्रिया में प्रयोग में कर्म की आवश्यकता। दूसरा हो गया सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है और उसका सीधा प्रभाव कर्म पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया कि क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है। अकर्मक क्रिया में कर्म की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सकर्मक क्रिया में हम कर्म की आवश्यकता पड़ती है। उसका सीधा प्रभाव जो है, उसका सीधा जो फल है वो कर्म पर ही पड़ता है। जैसे अनुराग ने पुस्तक खरीदी, अनुराग यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कर्ता हो गया और पुस्तक क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया। तो अनुराग ने पुस्तक खरीदी है, इस प्रकार जो कर्ता है वो उसका सारा प्रभाव जो उसका सारा जो सीधा प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है, कर्म यानी पुस्तक। खरीदी क्रिया के प्रयोग में कर्म पुस्तक की आवश्यकता अनिवार्य रूप से बनी है। अगर पुस्तक का प्रयोग लोप कर दिया जाए तो अर्थ अस्पष्ट या अपूर्ण रह जाएगा। यानी कि पुस्तक को अगर हम लोग हटा देते हैं कि अनुराग ने खरीदी, क्या खरीदी? अनुराग ने पुस्तक खरीदी, यानी कर्म का सीधा प्रभाव इस वाक्य पर पड़ता है, इसलिए इसे हम असकर्मक क्रिया कहते हैं।
अनुराग ने खरीदी, इस वाक्य में जिज्ञासा बनी हुई है कि उसने क्या खरीदी है। अन्य उदाहरण हो गया, शीला ने संतरा खाया। अगर हम ऐसे कहते हैं कि शीला ने खाया तो ये वाक्य अधूरा रह जाता है। अगर हम कहते हैं शीला ने संतरा खाया, यानी संतरा जो है वो कर्म है, और कर्म इसमें जो कर्म है उसका सीधा प्रभाव, जो वाक्य उसका सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ता है, इसलिए इसमें बताया गया कि शीला ने संतरा खाया। मोहन दूध पी रहा है, यानी दूध इसमें कर्म हो गया। मोची जूता ठीक कर रहा है, यानी जूता इसमें कर्म का कार्य कर रहा है। इसलिए ये कहा गया है कि सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कर्म का सीधा प्रभाव वाक्य पे पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक यहाँ पे दो उसके भेद हैं, यहाँ पे उनके भेद दिए गए हैं। अकर्मक क्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला है स्थित्य अर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। यह क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ देती है और कर्ता के स्थिर दशा का बोध होता है। जैसे अभी सकर्मक क्रिया में कर्म को ही कर्म को मान लिया गया था कि उसका सीधा प्रभाव वाक्य पे पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, बिना कर्म के क्रिया जो है वो बिना कर्म के कोई भी जो अर्थ दे, वो जो वाक्य बन रहा है उसका पूर्ण अर्थ उसमें आता है। जैसे कि श्याम सो रहा है, इसमें सोने की दशा में है, इसलिए इसमें कर्म का कोई भी स्थान नहीं है, लेकिन तब भी यह जो वाक्य है ये पूरी तरह से पूर्ण है। मोहन हंसता है, मोहन में हंसता है, इसमें भी कर्म का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह भी पूरी तरह से अर्थ दे रहा है। श्यामा रो रही है, खिलना, अनुभव करना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो अस्तित्ववाची क्रियाएं भी इस भेद के अंतर्गत आती हैं। जैसे परमात्मा है, यहाँ है क्रिया स्वयं पूर्ण तथा स्थित्य अर्थक है। दूसरा हो गया गत्य अर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। यह क्रिया भी बिना कर्म के पूर्ण होती है, यानी इसमें भी कर्म का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसमें भी कर्म का कोई कार्य नहीं होता, कर्ता की गतिमान दशा का बोध करती है। जैसे मोहन दिल्ली जा रहा है, यहाँ जा रहा है क्रिया कर्ता की गतिमान दशा के घोतक है, यहाँ बिना कर्म के पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रही है, यानी मोहन दिल्ली जा रहा है, यहाँ पे कोई भी कर्म का कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो अर्थ है पूर्ण तरह से अपने अर्थ को बताता है, ये जो वाक्य है वो पूर्ण तरह से अपने वाक्य को प्रयुक्त करता है। अतः यह गत्य अर्थक पूर्ण सकर्मक क्रिया। कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, सुहन कमरे से निकल रहा है और सूरज पश्चिम में डूबा हुआ है, इसमें कर्म का कोई भी कार्य नहीं है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जो जिन्हें कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती, किंतु कर्ता से संबंधित किसी न किसी पूरक शब्द की अवश्य आवश्यकता होती है। पूरक शब्द के बिना वाक्य अधूरा रह जाता है। जैसे मैं और हूँ, यह वाक्य कर्ता और क्रिया की दृष्टि से पूरा है, परंतु इसमें मैं से संबंधित किसी पूरक की कमी है, पूरक के लगते ही वाक्य पूर्ण हो जाता है। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, यह क्या शब्द है, यह एक पूरक शब्द है, इसमें कर्म की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसे शब्द की आवश्यकता पड़ती है जो पूर्ण रूप से पूरक होता है, जिसपे हम पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। जैसे मैं हूँ कर्ता और क्रिया की दृष्टि से, परंतु इसमें मैं से संबंधित किसी पूरक की कमी है, पूरक के लगते ही वाक्य पूर्ण हो जाता है। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, इसमें जब तक स्वस्थ नहीं लगा है तब तक इसमें पूर्णता नहीं आई है, अर्थात जब तक कोई भी शब्द में पूरक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है उसे हम तब तक वह अपूर्ण शब्द कहलाता है। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ पूरक के वाक्य में पूरा हो गया। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, जैसे मोहन है, इसमें कोई भी मोहन है, इसका अर्थ कुछ भी प्रयुक्त नहीं हो रहा है, इसकी यह अपूर्ण अर्थ बता रहा है, लेकिन अगर उसमें हम होशियार लगा देते हैं तो मोहन होशियार है, यह एक पूरक शब्द है। जैसे श्याम वकील बनेगा, पड़ोसी चालाक निकला, इस तरह होना बनना निकलना आदि अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं, इनमें कर्ता पूरक की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें हम कृति पूरक या उद्देश्य पूरक भी कहा जाता है। बच्चों ये पाठ बहुत ही दिलचस्प पाठ है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसे आप पढ़ें और इसे आप अच्छी तरह से समझें।
और इसको आप अपने घर में अच्छी तरह से पढ़कर और समझें।